बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सभी के भलीकार। अवां जे पांजे प्रोग्राम सलाम सिन में, सलाम सिन में सभी के सलाम ए हक मौजूद। देह में परदेह में जाते भी हिनमल अवां कीमती वक्त कढ़ी दिसो पिया। अवां सभी जा थोराता आहूं, अवां जे राय जा थोराता आहूं। अवां जो फीडबैक हमेशा असां ताईं पहुचंदो आहे, जेको तमाम घणो पॉजिटिव आहे, जंहिंजे लाइ अवां जा लख थोरा। छो जो पॉजिटिव फीडबैक अवां जो जॾहिं मिलंदो आहे त पोइ असांखे अहसासु थींदो आहे त असां सुठो कमु कयूं पिया, ऐं जहिड़े बि क़िस्म जा प्रोग्राम्स अवां जे लाइ डिज़ाइन कयूं पिया उहे सभई प्रोग्राम्स अवां खे पसंदि अचनि पिया। सो लाज़िम आहे त जॾहिं अहिड़े क़िस्म जो फीडबैक असांखे मिले थो त पोइ तमामु सुठी ॻाल्हि आहे। सो इन जे लाइ थैंक यू सो मच। ऐं अॼुकल्ह जेका सिचुएशन आहे, ऐं हमेशह जॾहिं इवन मां हाणे बि अचां पई रस्ते तां त हिकिड़ो एक्सीडेंट थियो पियो, बल्कि हिकु न रोज़ु सुबुह जो ख़बर न आहे केतिरा माण्हू अजल जो शिकार थियनि था। रोज़ु उन कंहिं न कंहिंजो एक्सीडेंट थिए थो, का न का गाॾी कंहिं ॿी गाॾी सां टकराइजे थी। रीज़न छा आहे? रीज़न अवां सभिनी खे ख़बर आहे, छो जो मां ड्राइविंग हिन महिल हिते न पई कयां, पर तव्हां रोड ते ड्राइविंग ज़रूरु पिया कयो, ऐं अव्हांखे ख़बर आहे त उनजे पोयां सभ खां वॾो रीज़न कहिड़ो आहे। सभ खां वॾो रीज़न आहे हिकु त कानून जी भनकड़ी। जॾहिं अव्हांजे लाइ को रूल ठाहियो थो वञे त अव्हांखे उनजो एतराम करणु खपे। ॿी ॻाल्हि आहे तव्हांजी जल्दबाज़ी। तव्हां सम्झो था त घर खां एन टाइम ते निकिरंदो, ऐं तव्हां गाॾी स्पीड में हलाईंदो, तव्हां वक़्त ते पहुची वेंदो, तव्हांजो टाइम बची वेंदो, त सभ खां वॾी तव्हांजी ग़लति फ़हमी आहे, छो जो इहो सफ़रु अव्हांजो आख़िरी बि थी सघे थो। अलाह न करे त तव्हांजे ज़िंदगी जो को आख़िरी सफ़रु थिए, साबित थिए, पर तव्हांखे ख़्यालु करिणो आहे। पर असां हिननि शयुनि जो ख़्यालु नथा कयूं, ऐं इहो ई कारणु आहे त रोज़ु को न को हादसो थिए थो, रोज़ु को न को वीचारो पंहिंजी ज़िंदगी जो ॾींहुं हमेशह जे लाइ विसाए थो। ऐं रीज़न इहो आहे त कंहिं ॿिए खे ब्लेम न करणु खपे, ज़िमेदार असां पाण आहियूं। तव्हांखे रोड ते हिकिड़ी सिधी लाइन नज़र ईंदी आहे, हिकिड़ी लेन नज़र ईंदी आहे, पर ॿिन्ही में डिफ्रेंस कंहिंखे ख़बर कोन आहे। हिकिड़ी गाॾी पंहिंजे सिमत में हले पई, उन गाॾीअ जे विच मां नांग वांगुरु लहरियूं पाए बाइक वारा जेके निकिरनि था, उहे पाण त नुक़सानु झलनि था, पर जेके ॿिया माण्हू उतां सफ़रु कनि था उन्हनि खे बि नुक़सानु रसे थो। अक्सर मां ॾिठो हूंदो त मोस्टली जेके एक्सीडेंट थियनि था उहे गाॾी यानी कि जेकी बाइक ड्राइव कनि था उन्हनि जा थियनि था। छो? ऐं बाइक वारनि खे कुझु घणी जल्दबाज़ी हूंदी आहे। हेॾां वॾो कंटेनर अचे पियो, हेॾां बस अचे पई, पर विच मां निकिरणु पंहिंजो फ़र्ज़ु सम्झंदा आहिनि। इहो न सोचींदा आहिनि त जेकॾहिं फ़र्ज़ु कयो कंटेनर ऐं बस पंहिंजी थोरी बि डायरेक्शन चेंज कनि था, हेॾे अचनि था या होॾे वञनि था, त धकु तव्हांखे लॻंदो, नुक़सानु तव्हांजो थींदो। ऐं अक्सर ईअं बि थींदो आहे त बाइक पूरी बस जे हेठां हली वेंदी आहे, कंटेनर जे हेठां हली वेंदी आहे, उनखां पोइ जेका हालति थींदी आहे उहो अव्हां वधीक बहितरु ॼाणो था। सो बराए महिरबानी जॾहिं अव्हां घर खां निकिरो था त 5-10 मिंट पहिरियों निकिरंदा कयो, त जे तव्हां टाइम ते पहुची वञो, ऐं जल्दबाज़ी न कयो, आहिस्ता आहिस्ता गाॾी हलायो। छो जो माण्हू मां इहो चवंदी आहियां त जेकॾहिं बाइक ते सफ़रु करे थो या गाॾी ते सफ़रु करे थो, त सम्झो मौत तव्हां ते कंहिं महिल बि अची सघे थो। सो इन करे तव्हांखे ख़्यालु रखिणो आहे त जल्दबाज़ी न कयो, ऐं पंहिंजी ज़िंदगी जो बि ख़्यालु कयो। सिर्फ़ु हिकिड़े माण्हू जे मरण सां सिर्फ़ु हिकिड़े माण्हू जी डेथ नाहे थींदी, कॾहिं कॾहिं पूरे कुटुंब जी, पूरी फैमिली जी डेथ थी वेंदी आहे। इन करे जो पूरे ख़ानदान खे हलाइण वारो उहो माण्हू हूंदो आहे, जॾहिं उहो माण्हू लाज़िम आहे जॾहिं ज़िंदगी पंहिंजी उनजी ख़तमु थी थी वञे, उहो हिन दुनिया मां रुख़सत थी थो वञे, त उनजी पूरी फैमिली डिस्टर्ब थी वेंदी आहे। सो पंहिंजे करे न सही, पंहिंजे फैमिली जे करे, पंहिंजे ॿारनि जे करे, पंहिंजे वॾड़नि जे करे पंहिंजी ज़िंदगी जो तमामु घणो ख़्यालु रखिजो। सो उमेदु कयां थी त अव्हां अॼु खां पोइ जेकॾहिं सलाम सिंह जा परिसार आहियो, ऐं अव्हां हिन प्रोग्राम खे पसंदि कयो था, दिलि सां लाइक कयो था, त पोइ मुंहिंजे इन ॻाल्हि खे कम अज़ कम अव्हां ज़रूरु इन ते अमल कंदो, ऐं इन ॻाल्हि खे ज़रूरु मञींदो। सो हथ जोड़े मां अव्हांखे रिक्वेस्ट कयां थी त बराए महिरबानी पंहिंजे ज़िंदगी जो ख़्यालु तव्हां पाण रखो, ॿियो केरु कोन रखी वेंदो। सो इन करे जॾहिं बि अव्हां सफ़र जे लाइ निकिरो था, हिकु त घर खां निकिरण खां पहिरियों आयतुल कुर्सी या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो नालो वठी निकिरो। इन खां वधीक सेफ्टी, इन खां वधीक सिक्योरिटी तव्हांखे की ॿी कंहिं बि शइ में कोन मिलंदी। सो ॻाल्हि ॿोल खे असां अॻिते कंटिन्यू कंदासीं, ऐं अहिड़े क़िस्म जूं ॻाल्हियूं जेके अव्हांजे मुफ़ाद में हूंदियूं आहिनि हमेशह अव्हां सां शेयर कंदी रहंदी आहियां। पर महिमाननि खां बिना बि हीउ प्रोग्राम अॻिते नथो वधी सघे। ईअं नाहे त सिर्फ़ु माई कचहरी कंदसि ऐं तव्हां 2 कलाक मूंखे बर्दाश्त कंदो, नथो थी सघे। सो महिमान असां सां गॾु मौजूदु आहे, ऐं महिमान केरु आहे अव्हांखे ॿुधाईंदी हलां त माशाल्लाह तमामु सुठी शख़्सियत आहे। इन खां पहिरियों जॾहिं हुन सां प्रोग्राम में कचहरी थी हुई त काफ़ी, हालांकि असां सोचियो हुयो त अॼु असां हिकिड़े टॉपिक ते हुननि सां गुफ़्तगु कंदासीं, पर जॾहिं ॻाल्हि ॿोल्हियो असां आगाज़ कयो त यकीन कयो किथां ॻाल्हि हली वई, कहिड़े खां कहिड़े टॉपिक ते असां पहुची वियासीं, अहसासु ई न थियो। ऐं हर टॉपिक ते माशाल्लाह साईं जन इलाही बख़ूबी ॻाल्हायो। सो उमेदु कयां थी त अॼु बि हुननि जूं ॻाल्हियूं मां सभिनी खे तमामु घणियूं पसंदि ईंदियूं। अव्हांखे ॿुधाईंदी हलां त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सां साईं जन जो तालुक़ु आहे। इन खां अलावा काफ़ी सोशल वर्कर आहिनि, डिफरेंट तनज़ीमुनि सां जुड़ियल आहिनि। उन हवाले सां असां साईं जन खां ई पुछंदासीं, छो जो मां आगाज़ में साईं जन खे इहा ई ॻाल्हि कई त तव्हां एतिरा कम कयो था, ईअं न थिए जो को कमु रहिजी वञे। त तव्हां खां पाण खां ई असां पुछंदासीं त भई हिन महिल ताईं मां पंहिंजी ज़िंदगी में केतिरा कम कया आहिनि, अञा फ्यूचर में कहिड़ा कहिड़ा तव्हांजा इरादा आहिनि। सो असां सां गॾु मौजूदु आहे हाजी चंदजेब खान सवाती साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सर? अल्लाह कैसे। और सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट, कीमती वक्त निकाल के आप यहाँ पर आए।
आपकी मेहरबानी है और आपके मॉर्निंग शो के तमाम जितने यहाँ पर म्यूजिशियन बैठे हुए हैं, कैमरा मैन है, जितने भी अफराद सुबह यहाँ पर आते हैं और इस प्रोग्राम को शुरू करते हैं, इन सब की खिदमत में सलाम है और सलाम सिंध। अच्छा लगता है, लास्ट टाइम भी जब आपके प्रोग्राम में मैं आया था तो बड़ा अच्छा माहौल रहा। अच्छा। बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही। ग्रेट। हालांकि वो एक सियासतदान के लिए जो है वो रात जागना आसान होता है, सुबह उठना मुश्किल होता है, सबसे बड़ा मुश्किल काम, लेकिन फिर भी आज हमने ये मुश्किल काम आपसे करवा ही दिया। और यकीन करें, जब पहली बार मुझे नाम पता चला था आपका, इतना लंबा नाम, तो मैंने कहा ये सारे एक ही साथ आएंगे। तो आपसे हम बातचीत करेंगे, हमारे साथ कुछ हमारे टीम मेंबर्स भी मौजूद हैं जो कि हमेशा हमारे साथ मौजूद होते हैं। आसिफ अली साहब, अस्सलाम वालेकुम, अवां के भली कार सुनासी, ऐं मोहरम नास साहब मौजूद आहे, ऐं कुछ ही देर में असां हिकिड़ो तमामु सुठो फनकार जॉइन कंदो, ऐं उन्हनि सां बिल्कुलु असां कचहरी बि कंदासीं। मां चाहियां थी त इहो सरप्राइज़ थोरो रखिजे मुंहिंजे लाइ, छा ख़्यालु आहे? या तव्हांखे ॿुधाए छॾिया, इहा अञा कन्फ्यूजन आहे, मां चाहियां थी थोरो सरप्राइज़ हुजे। सो जंहिं उहो महिमान असांखे जॉइन कंदो, बिल्कुलु अवां सां मुलाक़ात कराईंदासीं। फ़िलहाल हिकिड़ो मुख़्तसिर ब्रेक वठंदासीं, ब्रेक खां पोइ असां प्रोग्राम खे अॻिते कंटिन्यू कंदासीं। सो रहिजो असां सां गॾु, ॾिसंदा रहिजो अव्हांजो पंहिंजो प्रोग्राम सलाम से। जी व्यूअर्स, हिकिड़ो मुख़्तसिर ब्रेक हुयो, ब्रेक खां पोइ असां वापसि अची चुका आहियूं। सो ॻाल्हि ॿोल खे असां अॻिते कंटिन्यू कंदासीं। और सर, जैसा की मैंने आपसे खुद कहा था कि भई माशाल्लाह आपने इतने सारे काम किए हैं ज़िंदगी में, तो सबसे पहले तो ज़रा आपकी पैदाइश, फिर तालीमी सिलसिला आपका कैसा रहा, और सियासत में कैसे आना हुआ? आज तीन चार सवाल एक साथ कर डाले। असल में तालीम तो मेरी इतनी नहीं है जी, मैट्रिक तक पढ़ा हूँ, लाहौर की पैदाइश है, लाहौर में पैदा हुआ। सियासी उस्ताद जो थे वो मेरे गुलाम हैदर वाई साहब थे, अल्लाह पाक उनको गरी के रहमत करे। आमीन। सियासत में उनको दरवेश कहा जाता है, और ये एक खुशनसीबी है कि एक अच्छे इंसान से सीखने का मौका मिला। बहुत हो। उनके बाद जो हैं दूसरे जो मेरे सियासी उस्ताद रहे हैं वो गौस अली शाह साहब हैं, जो वज़ीर आला रहे हैं सिंध के। जबरदस्त। तो उनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। और दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों के ऐसे लोग जिनके पास बैठ के उनकी सोबत में बैठ के उनसे कुछ सीखने का मौका मिला। सही। अच्छा, जहाँ तक सियासत में आने का ताल्लुक है तो शुरू से ही, मतलब स्कूल लाइफ से ही एक कोशिश होती थी कि अपनी गली को साफ रखा जाए, अपने जो ग्राउंड्स थे जिनमें हम लोग खेलते थे उनको साफ रखा जाए। सही। क्योंकि उस्ताद उस वक्त दो चीज़ों पे तरबियत करते थे। आज हमारी बदकिस्मती ये है कि हम बच्चे को स्कूल भेज देते हैं, माँ बाप इस चीज़ से बिल्कुल बेखबर होते हैं। उनको पता है जी 2-3 हज़ार रुपये तनख्वाह उसकी फीस दे दी है, और 4-5 हज़ार की जो टीचर है उसने उसको पढ़ाना है। तरबियत बुनियाद है किसी भी बच्चे की। आज के तालीम के सिस्टम में और पुराने तालीम के सिस्टम में मैं समझता हूँ कि उस वक़्त बच्चे की जो तरबियत उस्ताद करता था और जिस तरह वो उस्ताद का एहतराम करता था और उस्ताद बेसियत उसको एक वालिद के जिस तरह ट्रीट करता था, तो एक अच्छी नर्सरी से बच्चा जो है वो ग्रोथ करके निकलता था। तो यही एक बुनियादी वजह थी। फिर चूंकि वालिद साहब जो है वो ख़ुद तहरीक पाकिस्तान में, मतलब उनका एक रोल रहा, और शुरू से घर जो है वो मुस्लिम लीग से वाबस्ता रहा, और मुस्लिम लीग चूँकि खालिक जमात है पाकिस्तान की, और पाकिस्तान बनने के बाद बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां बनी। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद साहब जो हैं उन्होंने पॉलिटिकल एक अवेयरनेस दी और दूसरी पॉलिटिकल पार्टियां बनी, मगर चूंकि ये खून में रची बसी रही तो एक अच्छा प्लेटफार्म मिला। फिर कोशिश की। असल में सियासत में दो किस्म के लोग होते हैं जी। मेरा अपना ये मानना है कि जो अदालतें एक अल्लाह की ज़ात की है और एक आपके अंदर है। सही। अगर आप अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह की मखलूक के लिए अगर काम करेंगे तो इससे ज़्यादा बड़ा कोई सुकून नहीं है। फिर आप चाहे वो आग का दरिया हो, अगर आपके अपने अंदर ज़िंदगी है, सुकून है। हमारी मुसीबत ये है कि हम अल्लाह इश्क की बुनियाद होती है,
दुनिया में इंसान और खुदा का जो ताल्लुक है वो खुदा की जात के साथ इश्क है। सही। वो आप अनदेखे उसकी इबादत भी करते हैं और उसको सजदा भी करते हैं, उसके बाद मोहब्बत शुरू होती है। और जो अल्लाह से इश्क रखने वाले लोग होते हैं, फिर एक सूफिया से ताल्लुक रहा, फिर बड़े अच्छे लोगों में मतलब ये म्यूजिशियन मतलब आपके बैठे हुए हैं उस्ताद नज़र हुसैन के साथ, मैडम नूर जहाँ के साथ, तो ऐसे लोगों के साथ मुख्तलिफ मामलात में उठने बैठने का और उनसे सीखने का जो मौका मिला, तो अदब, अदब बड़ा क्या है छोटा क्या है, और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि वो हम हमेशा हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का आप मैं एक वाक़या यहाँ कोट करता हूँ कि जब जहाद फी सबीलिल्लाह की आप बात करते हैं, अल्लाह की रज़ा के लिए आप जो है वो जंग करते हैं, और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नेज़ा जो है तलवार जो है वो यहाँ रखी है और जिसके गर्दन पर रखी है उसको पता है कि ये मुझे मार देगा, और वो गुस्से के आलम में हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के चेहरे मुबारक पे थूक देता है। अब यहाँ पे उस बर्दाश्त को एक मिनट आदमी सोचे कि एक आदमी के यहाँ पर तलवार रखी हुई है और वो आदमी नीचे से चेहरे मुबारक पर थूकता है तो आपकी तलवार रुक जाती है, कि अब ये खुदा के लिए जहाद नहीं रहा, इसमें मेरा ज़ाती गुस्सा आ गया है, तो आप उसको छोड़ देते हैं। आज हमारे अंदर सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है बर्दाश्त नहीं, प्यार नहीं है, इन रस्तों से ही आप चलते फिरते। मैं अभी भी इस ट्रैफिक में से जिस वक्त आ रहा था, रोडों के किनारे पे बच्चे खड़े हैं, अच्छा छोटी उम्र का स्कूल का बच्चा देख लें जो वैन के अंदर बैठा हुआ है, हर आदमी को जो है वो खुशी कम तकलीफ ज्यादा है, स्ट्रेस ज्यादा है, पता नहीं क्या होगा, तकलीफ ज्यादा है, टाइम से मुलाजम ऑफिस ना पहुंचे, मालिक की डांट फटकार, ये जो अभी आप बता रहे थे ना लोगों को फ्रस्ट्रेशन का शिकार बना दिया गया। सही कहा आपने, आप घर से निकले किसी भी रास्ते में, इंसान है मुकम्मल तो कोई भी नहीं है, मैं खुद भी कोई इतना मुकम्मल इंसान तो नहीं हूं, कोशिश करते हैं कि जो सीखा है और जो अच्छा है, अच्छाई से मुराद ये है कि अगर आपकी ज़ात के अंदर कोई खूबी है उसको माशरे में मुंतकिल करने की कोशिश करें, और अगर आपके ज़ात के अंदर कोई बुराई है तो उसकी तशरीह न करें। सही। ताकि दूसरा आदमी उस बुराई से जो है आपके साथ कनेक्ट ना हो। सही, कनेक्ट ना हो। तो सियासत में आने का मकसद भी ये था, और फिर अल्लाह पाक का बड़ा करम रहा कि ये PIA कॉलोनी के बराबर में कब्रिस्तान है, एक बहुत बड़ा कराची का 93 एकड़ का कब्रिस्तान है, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरे हाथ से बनवाया, माशाल्लाह बहुत बड़ा काम बनाया, ये 93 एकड़ का कब्रिस्तान है, इसके लिए बड़ी जद्दोजहद की, बड़ी तकलीफ़ें उठाई इसमें, मतलब बहुत ज़्यादा, यहाँ तक कि एक वक्त ऐसा भी आया कि मेरे बच्चों तक को बड़ा थ्रेड था, मेरे बच्चों की किडनैपिंग, मतलब उसमें ये सारी चीज़ें, मगर वो जिस वक्त ये तकलीफ़ें मेरे पास आई, मुझे आज भी याद है, तकरीबन रात को कोई 12:30-1 बजे का टाइम था, तो इस शहर के आज वो दुनिया से पर्दा कर गए, अल्लाह पाक उनको माफ़ करे, मैंने उनको माफ़ कर दिया, तो उनका फ़ोन मुझे आया कि जी ये कब्रिस्तान के मामले से आप हट जाएं वरना आपके बच्चों के साथ ये सब कुछ हो सकता है। तो लामहाला फैमिली होती है, बीवी होती है, बच्चे होते हैं, सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं, हम इतना आसान तो समझते हैं सियासत को, मगर बेसिक सियासत जो है वो बहुत मुश्किल है जी। सही कहा आपने, आनो, और जो अल्लाह की रजा के लिए और हक सच के लिए जो इंसान सियासत करता है, और हक सच बात कहने वाले इंसान के लिए जो है उसके जो पांव की मिट्टी है, जो ज़मीन है, बड़ी गर्म कर दी जाती है, और हर सच्चे इंसान के लिए ये दुनिया करबला है, और हर करबला के लिए उसको तैयार रहना चाहिए। सही कहा आपने। तो जब उन्होंने मुझे फ़ोन किया तो थोड़ी देर के लिए मैं भी
जब औलाद पे आ जाती है ना जी, तो लाजम है कहते ना कि 98% जो इंसान बदयानती करता है या करप्शन करता है या बहन भाइयों का हक मार लेता है, तो वो इस औलाद के लिए होता है। और दुनिया के दो बड़े फितनों में से सबसे बड़ा फितना जो है वो औलाद है, उसके बाद माल है। मतलब नहीं, हकीकत है, कहते हैं कि भाई आपकी फैमिली आपकी सबसे बड़ी ताकत भी है और सबसे बड़ी कमजोरी, सबसे बड़ी कमजोरी। अब वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे कि जब आप थके हारे घर जाते हैं तो वही ताकत उसी एनर्जी की वजह से आप दोबारा हिम्मत करते हैं बाहर जाने की। उस वक्त फैसला करने के लिए मेरे पास मतलब 5 से 10 मिनट थे, मुझे 10 मिनट में कॉल बैक करनी थी उनको कि मैं एग्री हूँ या नहीं हूँ। तो मैंने जानमाज उठाया, वजू भी नहीं किया जी, मेरा ख्याल है वजू भी नहीं था मेरा, तो इसी तरह मैं सजदे में चला गया। क्या कहना है? तो जब पहला सजदा मैंने किया तो मेरी आंखों में आंसू थे, एकदम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो ऐसा लगा जैसे मैं करबला पहुंच गया हूँ। और तस्वर एक आया कि जिसके लिए ये दुनिया तख्लीक की गई, आप अपना घर बनाते हैं उसके लिए, आसाइशों के लिए जिंदा रहते हैं, और जिस खुदा ने अपने हबीब के लिए ये दुनिया बनाई उससे 2 टाइम पेट भर के रोटी भी नहीं दी, उसकी औलाद को तंगदस्ती में ये दुनिया मिली और इस तंगदस्ती से ही वो दुनिया से चले गए, और फिर दीन की सलामती के लिए वाकया करबला है कि उसके नवासों ने हक और सच के लिए जो है वो अपनी गर्दनें कटा दी। तो एक लम्हे के लिए मेरे दिल में ख्याल आया कि ये अल्लाह के रसूल के नवासों से ज्यादा मोतबर तो मेरी औलाद नहीं है, ये मेरे सामने भी मर सकते हैं और मेरे बाद भी मरेंगे, मौत तो बरहक है, आना है आज नहीं तो कल। सलाम फेरा, मैंने फोन मिलाया उसको, मैंने बोला आपसे जो कुछ होता है आप कर ले और मुझे जो कुछ करना है इंशाल्लाह ताला मैं करूंगा, मैं करूंगा। तो आज जब इस डिग रोड के पुल से मैं गुजरता हूँ, थोड़ी देर के लिए उस कब्रिस्तान को देखता हूँ, तो फील होता है कि नहीं, सियासत में, दयानतदारी की सियासत में मैंने इस माशरे को कुछ दिया है। सही, और दिल मुतमईन हो जाता है। वैसे भी कहते हैं कि किसी को इतना भी नहीं डराना चाहिए कि उसका डर ही खत्म हो जाए। तो आजकल दुनिया वाले कुछ यूं ही कर रहे हैं कि इतना ज्यादा इंसान को डरा देते हैं कि इंसान डर डर के एक दिन उस डर को मार देता है, और जिस दिन वो डर को मारता है उस दिन फिर वो दुनिया को नहीं छोड़ता, फिर वो डिफरेंट जो एक्टिविटीज होती हैं या तो पॉजिटिव हो जाए या तो फिर फुल नेगेटिव हो जाए, लेकिन फिर दो ही ऑप्शंस इंसान के पास बचते हैं। और आजकल हम जो अफरा तफरी देख रहे हैं, आपने कहा कि भाई जहनी तनाव इंसानों का बढ़ता जा रहा है, रीजंस यही हैं कि हम समझते हैं कि हम किंग हैं, हमारे सामने कोई नहीं है। तो खैर माशाल्लाह, मेरे ख्याल से कि इससे बड़ा काम कोई हो नहीं सकता था कि एक तरफ फैमिली थी एक तरफ फ़र्ज़ था, और दोनों में से किसी एक का इंतखाब करना। लाजम है कि अगर हमारे जैसा कोई पर्सन होता तो हम तो एक साल में भी ये डिसीजन ना कर पाते कि हमें अब आगे क्या करना चाहिए। ये लाजम है कि फैमिली से बढ़कर, मतलब फैमिली इंसान के लिए सब कुछ है और फैमिली के लिए इंसान सब कुछ करता है। तो खैर माशाल्लाह, तो कामों के हवाले से बातचीत हो रही थी, एक तो आपका सबसे बड़ा काम आपने किया, लेकिन इसके अलावा डिफरेंट तंजीमों से भी माशाल्लाह से आप वाबस्ता हैं, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में इस वक्त काफ़ी फ़राइज़ हैं जो कि आप सर अंजाम दे रहे हैं, तो उनकी कुछ डिटेल्स भी जानना चाहोगे। देखिए, जहाँ तक तो पार्टी का ताल्लुक है तो पुराना मेरा जो हलका है ये नातहान गोटशा फैसल था, यहाँ से फर्स्ट टाइम इलेक्शन लड़ा मैंने, अल्लाह पाक ने कामयाबी दी माशाल्लाह। तो 5 साल यहाँ लोगों की खिदमत की, फिर यहाँ एस्टेब्लिशमेंट कमेटी का चेयरमैन रहा। तो सबसे बड़ी जो मैंने, लोग हमेशा ये कहते हैं कि सियासत जो है इसके अंदर जो लोग हैं ये बददयानत होते हैं। अच्छा, दयानतदार बददयानत हर फर्द हर जगह किसी न किसी जगह जो भी जिंदगी के शोबे हैं इसमें आपको दयानतदार लोग भी मिलेंगे, बददयानत लोग भी मिलेंगे। ये तो दुनिया का दस्तूर है कि दुनिया का इंसान की फितरत एक जैसी नहीं है। अच्छा, उसके बाद मैंने आज तक जो 3 इलेक्शन लड़े हैं, मैं इस मामले में अल्लाह रब्बुल इज्जत का उसका करम है, शुक्र है कि अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है, मगर मैंने कभी अपने इलेक्शन में 1 रुपया भी नहीं लगाया। वाओ, दैट्स ग्रेट, चार आने। और क्योंकि जब फर्स्ट टाइम भी मैं इलेक्शन लड़ रहा था
तो मुझे याद है कि वाले साहब के पास। अच्छा सर, ऐसा करते हैं चंदीप साहब के ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो आपसे फिर जानेंगे कि कितना चैलेंजिंग था आपके लिए सब कुछ, कितना इजी था और क्या क्या आपने उस वक्त फेस किया, और इलेक्शन जब जीते तो क्या आपकी फीलिंग्स थी। मैं चाहूँगी कि ज़रा डिटेल से इस हवाले से बात करेंगे वरना आधे में बात कट जाएगी। तो व्यूवर्स वक्त आए हिते एक मुख़्तसर ब्रेक जो ब्रेक ना वधंदासीं, ब्रेक खां पोइ ॻाल्हि ॿोल खे कंटिन्यू कंदासीं। सो रहिजो असां सां गॾु, ॾिसंदा रहिजो सलाम सिंध। जी व्यूवर्स, हिकिड़ो नंढिड़ो ब्रेक हुयो, ब्रेक खां पोइ असां वापसि अची चुका आहियूं। जंहिं सरप्राइज़ जो ज़िक्र अवां सां कयो, फाइनली टाइम अची चुको आहे त मूंखे ॿुधाए वञे, छो जो चवंदा आहिनि त कुझु शयुनि जे लाइ इंतज़ारु ज़रूरी हूंदो आहे, ऐं सब्र जो जेको समर हूंदो आहे उहो तमामु घणो मिठो हूंदो आहे। सो इन करे इंतज़ारु हमेशह ज़िंदगी में करणु खपे। कॾहिं कॾहिं माण्हू चवंदा आहिनि त न इंतज़ारु न करणु खपे, पर इंतज़ारु करणु खपे। इंतज़ार सां ई त इंसान खे अंदाज़ो थींदो आहे त हुन में बर्दाश्त केतिरी आहे, ऐं केतिरो हू सघ रखे थो त हू शयुनि खे बर्दाश्त करे सघे थो। ख़ैर, सो इंतज़ारु जेकॾहिं मां कयो आहे त पोइ तव्हांखे डिसहार्ट न कंदासीं, ऐं इहो जेको इंतज़ारु तव्हांजो आहे उहो अव्हांजे लाइ इलाही घणो बहितरीन साबित थियण वारो आहे, मूंखे अंदाज़ो आहे इन ॻाल्हि जो। त जेको बहितरीन फ़नकार असांजे विच में मौजूदु आहे, जंहिं असांखे हाणे जॉइन कयो आहे, माशाल्लाह तमामु बहितरीन आवाज़ जो मालिक आहे पाकिस्तान में, ऐं पाकिस्तान खां ॿाहिरि तमामु घणो हुननि परफॉर्म कयो आहे, पूरी दुनिया में तक़रीबन पाकिस्तान जो नालो रोशन कयो आहे। त जॾहिं पूरी दुनिया हुननि खे मञे थी, तव्हां बि यकीन मञींदा आहियो, ऐं तव्हां हुनखे पंहिंजे स्क्रीन ते ॾिठो हूंदो, बल्कि अक्सर माण्हू त घर जा भाती ठही वेंदा आहिनि। सो उमेदु कयां थी त तव्हांजे घर जो भाती हूंदो, तव्हां हुननि जे आवाज़ जा तमामु वॾा परिसार आहियो, ऐं अव्हांजे ई फरमाइश ते अॼु हुननि खे असां मदु कयो आहे। असां सां गॾु मौजूदु आहे जनाब रज फ़क़ीर साहबु, अस्सलामु अलैकुम। हक़ मौजूदु ऐं सलाम सिंध में भलीकार, ख़ुशि आहियो। अलाह जा करम आहे। ऐं लख थोरा मुंहिंजा, जो मूंखे ख़बर आहे त तव्हां फ़नकार जेके आहियो उहो तमामु घणा बिज़ी हूंदा आहियो, हुनजे बावजूदु असांखे वक़्तु ॾिनो आहे। सो लख थोरा मुंहिंजा। चंदीप साहब, देखिए आप अभी तक बातचीत हो रही थी है ना, तो आप मौसीकी को बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। हाँ जी, और सबको लाइक करनी चाहिए, असल में ये रूह की ग़िज़ा है। सही कहा आपने। और अच्छा कलाम हो, और हम बींग मुस्लिम भी एक चीज़ को हमेशा याद रखें कि बरे सगीर पाक व हिंद में ये जो आज हम लोगों ने कलमा पढ़ा है या हमारे आबाओ अजदाद मुसलमान हुए, तो ये फुकरा, ये फ़कीर लोग थे कि जिन्होंने हमें इस दीन से रोशनास कराया। ठीक है आपने। तो मौसीकी जो है, मैं अभी भी सुबह जब आ रहा था तो मैं देख रहा था कि वो अच्छा वो सारी चीज़ें ट्रैफिक दायम हैं, तो फिर मैंने वो बाबा भुल्ले शाह की रेडियो से आ रही थी तो वो मैंने लगा के, उसमें आप वो हो जाएं तो वो मैंने देखा है कि वो जो गाड़ियों में बराबर में बच्चे स्कूल जा रहे थे ये वो, तो आदमी अपने अंदर जब मौसम अच्छा हो जाता है, अंदर खुशी महसूस करता है, तो बाहर के लोगों को भी जो है वो। साहब जैसे जो फनकार है वो माशाल्लाह उनकी सिलेक्शन, उनकी कलेक्शन इतनी जबरदस्त होती है कि कोई एक सॉन्ग भी ऐसा नहीं होता कि इंसान कहे कि नहीं अब नहीं सुनना हमें, मतलब हर चीज को हम पसंद करते हैं। तो आई होप कि आज आपको भी मजा आने वाला है, आप एंजॉय करेंगे, हमारे जो व्यूअर्स हमें देख रहे हैं उनको भी आज बहुत अच्छा लगने वाला है। सो रज फ़क़ीर साहब, अवां सां कचहरी में इलाही ॻाल्हियूं बि पुछणियूं आहिनि, छो जो पाकिस्तान खां ॿाहिरि वञी बि माशाल्लाह परफॉर्म करे चुका आहियो, त ॿाहिरि मुल्क में त यकीन मुख़्तलिफ़ ॿोलियूं ॻाल्हाइण वारा माण्हू आहिनि, उते हिकु सिंधी फ़नकार खे कीअं थो मान मिले, कीअं था माण्हू उनखे एप्रिशिएट कनि, कुझु शेयर करणु चाहींदो? जी बिल्कुलु, सभ खां पहिरीं त इहो त मुंहिंजे ख़्याल में त मौसीकी जी का बि ज़बान न आहे हूंदी, सभ खां वॾी ॻाल्हि सही चयो। सो मूं जॾहिं हींअर बि लास्ट टाइम जॾहिं मूंखे तक़रीबन कोई हाणे महीनो थी वियो आहे सो मोटियो आहियां, उते मूं ॾिठो त जेके असांजो सिंधी म्यूज़िक ॿुधण वारा माण्हू आहिनि उहे सिर्फ़ु सिंधी न आहिनि, उन्हनि में तव्हांखे जेको सो अफ़गानी बि मूंखे उन्हनि जॉइन कयो, उन खां गॾो गॾु जेके उतां जा अंग्रेज़ आहिनि गोरा आहिनि उहे बि हुया सभिनी, पर उन्हनि हालांकि सम्झो न पिए त आऊं ज़बान कहिड़ी पियो ॻायां या उन्हनि खे सम्झ में न पिया, पर उन्हनि जेको इंजॉय पिए कयो सो आऊं दंगरेजी वियसि। त मौसीकी जी का बि ज़बान आहे हूंदी, ऐं मौसीकी जेको आहे सो रूह जी ग़िज़ा हूंदी आहे। बिल्कुलु अमां सही चयो, अमां सां बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं, बट आज कॉल्स बि बहुत सारी आने वाली आहिनि, इहे त मुंहिंजे पहिले सां ई अंदाज़ा था कि जो दो बहितरीन शख़्सियात हों तो कॉल सो भई लाज़िम है। देखते हैं कि कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, केर पे ॻाल्हायो? जय मोहम्मद अकबर, जेके कुमरकोट बहन शादी कैसी है? ठीक हो? अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक ठाक। अवां ॿुधायो सभु ख़ैर? अॼु अव्हांखे सॼी टीम खे, अॼु मोहरम खे, हाजी साहिब खे
फनकार साहब सजी टीम के मुझी तरफा घना घना सलाम हो जनाबी। वालेकुम अस्सलाम। अदा छा चवन चाहिंदो अज बेहतरीन मेहमान मौजूद आइन प्रोग्राम जे हवाले सा। जी जी अभी सूफी शायर जो है बेहतरीन शायरी गायकी कंदो आए इनी के मुझी अर्ज है तो को भी मतलब सूफी कलाम जो है वो मतलब असा के बुधाए छे तो मेहरबानी थी हाजी साहब से थोड़ी गाल करनी है। बिल्कुल अमा करे सकू था जी सर आपसे बात करना चाहते हैं। जी 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 हेलो जी, जी बोले सर। हेलो जी जी, जी जी आप सुन रहे हैं। जी जी हाजी साहब अस्सलाम वालेकुम आवाज नहीं आ रही। वालेकुम अस्सलाम जी जीते रहे। हाजी साहब कैसे हो ठीक हो तबीयत ठीक है। अल्लाह पाक का बड़ा एहसान है करम है अल्लाह पाक का बड़ा करम है शुक्र। बड़ी 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 खुशी हो रही है हाजी साहब आज आपसे बात करके बड़ी ही खुशी हो रही है कि आपने तालीम के बारे में जो है कह रहे हैं कि तालीम एक अहम बच्चों के लिए होती है तो ये बड़ी ही खुशी की बात है और इसके लिए थोड़ा सा मैंने आपको अर्ज करना है कि तालीम वाकई ही बच्चों के लिए बहुत अहम है और यहाँ हमारे पास सिंध में वो तालीम का मयार नहीं है ना ही कंट्रोल है जो कि पंजाब में नजर आ रहा है तो उसके बारे में सर आपसे कुछ अर्ज करनी थी। इधर हमारे इलाके में जो है तालीम का मयार जो बिल्कुल नाकस है और यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट उमरकोट में नबीसर रोड के मकाम पर जो स्कूल है हायर सेकेंडरी स्कूल है उसमें 11वीं और 12वीं जमात के जो हैं वो क्लासें नहीं लग रही। बच्चे दर बदर होते हैं कभी किसी से पढ़कर कभी किसी से पढ़कर तो पेपर देते हैं तो उसके लिए आप अगर तवज्जो देकर कुछ ये मसला हल कर लें करा दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। इससे पहले मैं बड़ी कोशिश कर चुका हूँ लेकिन वो 11वीं और 12वीं जमात के टीचर यहाँ वो नहीं है कभी कभार कोई बच्चों को पढ़ाते हैं वरना नहीं पढ़ाते। ओके बहुत शुक्रिया वड़ी मेहरबानी अवां जो सवाल अवां जी गाल असा तई पहुती ए बिल्कुल इन जो जवाब भी साइंजन का असा वठंदासी। सो हरि साहब अगर मुख्तसर जवाब मुख्तसर देखें मैं तो एक बात जानता हूं कि कुछ काम हम हर एक काम जो है वो हुकूमत के ऊपर बिल्कुल हर एक काम हुकूमत की जिम्मेदारी है मगर कुछ जाती तौर के ऊपर भी आज हम एक रेड़ी गोठ में इस वक्त स्कूल चला रहे हैं हमारे प्रोफेसर मजरहानी साहब अल्लाह पाक उनको खुश रखे 20 रुपए फीस है हमारे स्कूल में। अरे वाह 20 रुपए फीस है जी। अच्छा वो 20 रुपए फीस भी इसलिए लेते हैं कि जो पढ़ने वाला बच्चा है वो ये न समझे कि मैं खरात और जक़ात में पढ़ रहा हूँ। क्या बात और मैं चैलेंज करता हूं कि उस स्कूल का जो बच्चा है उसको आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चे के साथ बिठा दें वो उससे बेहतर रिजल्ट देगा। क्या कहने जी इतना जबरदस्त। असल में बात ये कि यहाँ इल्म खुद तो पढ़ लेते हैं लोग दूसरे को पढ़ाना नहीं जानते। अगर मेरे बेटियां हैं बड़ी बेटी इस वक्त मेरी मेजर है दूसरी ने अभी मास्टर किया है तो मैं नहीं पढ़ सका तो मेरे अंदर एक वो प्यास थी वो तशनगी थी तो फिर मैंने इसको देखा कि मैं ये लोग जब मुझे अपना बड़ा कहते हैं तो मैं किस फील्ड में क्या कर सकता हूँ तो इस वक्त तकरीबन 163 बच्चे ऐसे हैं कि जो शाह लतीफ टाउन में उन्हीं इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ाते हैं वहाँ के जो स्कूलों के मालकान हैं वो मुझसे फीस नहीं लेते उन बच्चों की और हम उनको किताबें देते हैं उनको यूनिफॉर्म देते हैं तो हर आदमी अगर तालीम के मामले में अपने गिरदोपेश में सिंसियर हो जाए तो बात बन जाएगी बातचीत को कंटिन्यू करेंगे लेकिन एक सॉन्ग तो बन रहा है। बिल्कुल जी माशाल्लाह अच्छा लग रहा है। मौजूद है मैं चाहूंगी मौके का भरपूर फायदा उठाया जाए। बिल्कुल जी रजी फकीर साहब हर तहां ते मुनसिर आए तो पहरो कलाम मां गेड़ो दा पेश कयो मुझे ख्याल में सुबह जो टाइम आए मौसीकी जो आगाज बेदल साईं जे कलाम सां आगाज़ था कयूं
अली हैदरा जा खूब बिछाता वही असली सूरत मिलती है के हजार प्रेम लगाया बैठा पढ़ता मसला
इश्क दा बैठा पढ़ता मसला सर पर छत जुलाया वे आदि सर पर छत जुला सुबह जो आगाज वाकई बेहतरीन थी वो छो जो आवाज़ सुठो हो अंदाज सुठो हो सिलेक्शन माशाल्लाह एतरी बेहतरीन है सिंगार अली सलाम सलीम जो ही कलाम हो माशाल्लाह तमाम बेहतरीन यकीन कर एकड़ो अजीब सहर मजदानियत दारी हुई एकड़ी अलग ही दुनिया हुई। आप बताएं सर क्या कहना चाहेंगे? असल में बात ये जी कि फकीर जो होता है ना उसकी जो फिक्र होती है वो बिला मजहब बिला जबान सही कहा आपने रंगो नस्लक मसलक काला गोरा अजमी अरबी इससे बालातर होती है उसकी फिक्र बड़ी वसी होती है। आप किसी भी सूफिया की दरगाह पे देख लें तो वहां ये नहीं है कि भाई जो मुसलमान है वही आएगा, वहां आपको हिंदू भी मिलेगा ईसाई भी मिलेगा, मतलब किसी भी मजहब का हो अमीर हो बादशाह हो गदागर हो जैसा भी हो उसकी जो गुदड़ी होती है जो उसके रंग होते हैं ना उसमें वो सबको समा लेता है। और ये इंसानियत की जो बुनियाद है वो ये है और उसको अल्लाह ताला जो है वो तशबीह किससे देता है कि अल्लाह तबारक ताला फरमाता है कि अगर किसी इंसान की जान जो है वो काबतुल्ला की दीवार में अगर उसको तकलीफ हो तो तुम्हें हुक्म है अपने रब की तरफ से कि खुदा के घर की वो दीवार तोड़कर उसकी जान बचाओ। मतलब इंसानियत सबसे बड़ी, इंसानियत सबसे बड़ी चीज है और ये फिक्र और उसकी बात है जी। आज हम ये जिन चीजों में आज हम मसाइल का और तकलीफों का शिकार हैं उसमें तंग नजरी है। सही कहा आपने। दीन जो है उसकी जो बुनियाद है ना जी, देखे ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबुवत से पहले
जो है वो दयानतदार ईमानदार कहा गया। आपका जो पहला जो लकब है वो है सादिक और अमीन, दयानतदार ईमानदार। हाँ, जब सबसे पहले आपने कहा कि या यूहन्ना कुलु ला इलाहा इल्लल्लाह, ए लोगो कहो कि अल्लाह एक है, तो सबसे पहले जो आपको पत्थर पड़ा वो आपके अपने खून से पड़ा, तब यदा अबी लहब, ए लहब तेरे हाथ टूट जाए। अब कुरान को हम पढ़ते हैं समझते नहीं है, अरबी में पढ़ते हैं। मैं कहता हूं कि कुरान की आयत का आप जिस भी लैंग्वेज से आपका ताल्लुक हो, अगर आपको सिंधी पढ़ना आती है आप कुरान सिंधी में पढ़ें, आपको अगर इंग्लिश पढ़ना आती है आप कुरान को इंग्लिश में पढ़ें, और उसको पढ़ने के बाद उसको समझें एक आयत। अब हम क्या कहते हैं वो पढ़ते रहो बस, वो इतने सिपारे खत्म हो गए, उसमें एक छोटी सी आयत जो है ना जी, उसको भी अगर आप पढ़कर समझने की कोशिश करेंगे तो रब्बुल आलमीन है और उसने अपने हबीब को जो है वो रहमतुल आलमीन बनाया गया, और रहमत जो है वो सबके लिए। फकीरों का जो है बहुत खूबसूरत बात माशाल्लाह आपने कही। ए रजी फकीर, जैसे असा सूफी कलाम बुद्धा आयो तो असा की जी कैफियत तारी हूँ, यकीन करो उन असा के लफ्ज़ को मिलना तो बयान कर छो या उन शे के बयान कर सको, पर तुम तो गाय कैफियत होंगी उनके कहीं बयान कर सकया आ। हाँ बिल्कुल, कैफियत मानू जी जदें भी कोई शायरी जदें को आर्टिस्ट आऊँ चवंद आया तो आर्टिस्ट जैसे पैं पान में गुम थी वे पोइट्री है उन थोड़ो सोची समझी गाए तो मुझे ख्याल में वो तो सोने ते सुहागो है, सो फीलिंग्स बयान न थी कर सकजन। सही गल है, कुछ कैफियत अड़ी होंगे जिनके बयान कर इंसान के वस की खास कर सूफी कलाम माशाल्लाह थर का जी मिठी 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 थर पार कर जी उत्ता ही सिख्या वरती उस्ताद मोहतरम के राय ना मु सिख्या वरती मुझे उस्ताद आए उस्ताद शफी मोहम्मद फकीर साहब जो को उमरकोट में आए, सो 2000 सन 2000 में आऊं उते उन्होंने सिखण वेस जबरदस्त 2008 ताई आऊं कंटीन्यूअस उते सिखियस, उन खान बाद में अजा ताई भी सिखा तो पियो एडो को वडो आर्टिस्ट ना है, पर हाने मुझे पई जो उते इंस्टीट्यूट आ है तकरीबन 2008 खान हले तो पियो 8 सालन खान मिठिए में मिठिए में जी। वो मुझे मरहूम दादा मुराद फकीर ता नालो बुधो हुंदो जो को माई भागी सा गर जे ड्यूट में गयो है, पैं दौर जो तमाम वोड़ो आर्टिस्ट हो तो उनके नाले ते है मुराद फकीर म्यूजिक अकेडमी, वो भी आऊँ हल तो पो माशाल्लाह सुठा छोकरा तैयार भी थी वह सो हाँ सही थर में जो टैलेंट है यकीन करो वो तो मुझे ख्याल में पूरी सिंध जो समूर टैलेंट है वो कहीं कहीं लगन है थर में ही है, जो माई भागी थी वही जी जरीना थी वही अवा थी वो माशाल्लाह। इन के अलावा जैसे असा सूफी भी कर उतना जी थरी फनकार आया हुआ या माई ढाई हाँ माशाल्लाह, लेकिन के उ जो मैं आवाज़ बुधा तो यो न पी मेजर न पी कर सकता तो इन स्केल होंगी जो असा तो खबर है तो मू सी डी कुछ भी वॉडेवर, बट उन स्केल उन पिच हुई उनको अंदाज हुए वो एतो माशाल्लाह हाई क्लास हो जो कें पैमाने में उन मापण ढो दुख्य थी वो। सो खैर माशाल्लाह टैलेंट है अला सही करे तो यो टैलेंट बाहर अचे दुनिया असि टैलेंट के ऐसे गाल बोल के बधाईदी अगते, बट व्यूवर्स वक्त है इतने एक मुख्तसि ब्रेक जो वी ब्रेक ना रहो सलाम से जी व्यूवर्स नंढड़ो ब्रेक हुए असा वापस अची चुका हूँ, चाय जो कप मुझे हथ में उम्मीद है अवां जे घर में भी गर्मा गर्म चाय तैयार थी वही होंगी। सुबह की चाय खास करे सियारे जी पांजो ही मजो है, सो जी चाय है सर गुफ्तगु भी हम कर रहे हैं साथ में, तो मैं चाहूंगी कि आगाज में हम एक सॉन्ग सुन लें उसके बाद फिर हम गपशप और गुफ्तगु को आगे कंटिन्यू करेंगे। अच्छा सुना रहे हैं तो इसीलिए मैंने आगाज में कहा था कि सर आप एंजॉय करने वाले हैं मैंने ये नहीं कहा था कि आप करेंगे या नहीं करेंगे, आप करने वाले हैं अच्छी हो गई ये तो इसीलिए हम अक्सर कहते हैं कि जब इस तरह की मॉर्निंग हो तो म्यूजिकल मॉर्निंग। रजी फकीर साहब अवां के ही जहमत दींदी को कलाम जो तहां के बिल्कुल नई ट्यून है शेख अयाज जो जो सो गीत है कांजा माशाल्लाह माशाल्लाह जी आ
मजा आ गया। बस वो शहर जो होता है ना ये तो असल में कंटिन्यू वो सुनता रहे आदमी तो जब उसमें आप खो जाते हैं। हालांकि मेरे को सिंधी जबान जो है बड़ी कम समझ में आती है, मिसेज मेरी सिंधी। अरे माशाल्लाह, फिर भी आपने आज तक सिंधी नहीं सीखी, ये बड़ी हैरत की बात है। अच्छा, देखिए हमने आपकी जबान सीख ली, हम पंजाबी भी बोल लेते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन आपने सिंधी नहीं सीखी। नहीं, सिंधी बस ये उन्होंने सिखाई इसलिए नहीं है कि शायद वो ससुराल वाली बातें मैं ना समझ सकूं ना। ऐसे में फिर उनको ये लगता होगा ना कभी बुरा भला कह दिया आपने जबान में तो वो फौरन समझ। नहीं नहीं जी, सिंध सिंध सच्चे लोगों की धरती है, सूफिया की धरती है। और देखें, हजरत अली रजी अल्लाह तआला का एक कॉल है कि किसी भी जो लोग ऐब किसी में देखते हैं ना, उनकी मिसाल वो मक्खी की तरह होती है कि वो सारा खूबसूरत जिस्म छोड़ के जख्म के ऊपर आके बैठ जाती है। सही कहा आपने। तो जिस धरती से इन लोगों की रियाजत है, जहाँ ये सीखते हैं, और ये तो उस दिन भी बड़ा अच्छा लगा आए और बड़ा अच्छा कलाम सुनने को मिला। सही, और आज भी, और आज भी क्योंकि अच्छा लगता है जी। सही। अच्छा रजीब साहब, अवां का यो जान से ना सूर्य माशाल्लाह थर में त एतरा सन टैलेंटेड मानु टैलेंटेड फनकार आहिन भी आई कुछ ओए आहिन जेके हिनमल हिन दुनिया में ना आहिन, अल्लाह से उनके जन्नत नसीब फरमाए। सो इना बड़ा बड़ा आर्टिस्ट तहां इंस्पायर कें खा थयो लाजिम आए पहरो त तहां जी कनन में जो आवाज़ भी होंगे वो थर जो ही होंगे। जी बिल्कुल, जै घर में अख खोली तो मुँह जो जमन सा ही कनन में साज ही बुधा। सो मुझे सजो घरानो जी, मुझे डाडो एक सिंध वो आर्टिस्ट हो, उन बाद में मुझे वालिद साहब वो भी हारमोनियम प्ले कंदा हुआ, या मुझे वो भा है वो भी मुसा हिर जो सो गड हों मुझे ग्रुप में वो बेंजो प्ले कह। सो असो खानदानी तसलसल जी खानदानी तसलसल है। उन बो जडे आऊँ स्कूल में पढ़ंद हुस तकरीबन को सिक्स सेवन क्लास की गाल है, तो उत फंक्शंस थींदा हुआ तो उन्होंने भी सो परफॉर्मेंस करण जो मौको मिलो। उतें जडे मुखे मुझे उस्ताद बुधो तो उन्होंने चयो तो तुझे आवाज़ में जो सो वह शे है तोखे बाकायदा सीखण खपे जो सो फन जो है या विरसो जो है उन सो मालिक थियण घुर्जे। वो मुख्य पान के नंढे हूँ का तमाम घो शौक हो, सो यही जो सो सफर जारी थे। इनजो मतलब है जब बालिका हुआ बिल्कुल नंढा तदें का ही वही गायण जो आगाज़ थो तदें अज शायद वह पुख्तगी है, मेचोरिटी है। एतरो माशाल्लाह सुर में गाय छोड़ो पहरों जो कलाम बुधो उन वो बो कलाम बुधो बिन्हीं में जमीन आसमान जो फर्क हो, बिन्हीं में जी फील खपे पी जी कैफियतूँ जी एहसास खपन पे वही सभी शय हुई। सो माशाल्लाह तमाम बेहतरीन गाल बोल के अगते वाइंदी, बट व्यूवर्स वक्त है इतने एक नंढड़े ब्रेक जो ब्रेक वी मिलों ब्रेक का पोए। जी व्यूवर्स, वादे इन मुताबिक नंढो ब्रेक हुए वापस अची चुका है। अज यकीन कर कहीं कहीं ये थन्द तो कुछ शूँ जो जिंदगी में थन्द अचानक थन्दून तुम बिल्कुल न सोचिंदा हो वे इलाई घड़ी सुठी थन्द कदी कदी जो तुम कम सोचे समझी कह हाँ मुझे ये करणो है ये गलो है वो सवाल पुछण है यकीन कर तो खबर ना है प्रोग्राम में। सो अज यकीन कर असो सोचो अज वो कुछ न पो थे, पर जो भी थे पो वो असि सोच का पो थे। तो सर म्यूजिक पे ही मैं चाहूँगी कि बात करें, और थर की म्यूजिक, सिंध का फोक और डिफरेंट पाकिस्तान की ओवरऑल म्यूजिक की बात करें तो इतनी ज़्यादा वैरायटी मैंने दुनिया में कहीं नहीं देखी, क्या कहते हैं आप? असल में मूसीकी जो है ना जी, पहाड़ों की मूसीकी आप देख लें, लाउड और थर की मूसीकी आप देख लें, रेगिस्तान की मूसीकी में आपको प्यास का एहसास होगा, एहसास होगा। सही, आप सुनेंगे उसको तो आपको ऐसा महसूस होगा कि और पिया जाए, थोड़ा सा थोड़ा और पिया जाए। अच्छा, पहाड़ी मूसीकी जो है उसको अगर आप सुनेंगे ना तो आपका दिल करेगा कि आप मतलब जैसे वो रोंगटे नहीं खड़े हो जाते हैं पहाड़ में से, आप किसी भी पहाड़ी के ऊपर अगर कोई आवाज दें तो वो पलट कर वापस आती है। सही कहा आपने, इको इस तरह ये जो सुर है ना जी,
सुर को सुरीला ही समझ सकता है। ये बात सही कही, इसीलिए मैंने आज तक नहीं समझा सुर को जो है सुरीला। सुर ऐसा करते हैं कि आपको थर लेकर चलते हैं। क्या कहते हैं आप? क्या बात। सो माई भागी तमाम वडी सिंगर यकीन कर नालो कह बे तारुफ जो मोहताज ना है। सो उन जो एकड़ो कलाम है खड़ी नीम के नीचे। क्या बात है जी, फेवरेट। सो जो इहो मुझे ख्याल में थर जी सही तर्जुमानी करे तो। सो जे करे तहां जे आवाज में यो थी वने अज सने पूरी टीम जे लाए सबनी व्यूअर्स जे लाए यकीन कर डाडो मजो इनो। बिल्कुल बहुत अच्छी। कैसी जुगत करूं अरे थाल भरे सच मोतियां और ऊपर नैन धरूं खड़ी नीम के नीचे खड़ी नीम के नीचे हूं तो एक तोड़ो पटारू माना जानी मानी देख ले या तोड़ो पटारू माना जानी मानी देख ले खड़ी नीम के नीचे खड़ी नीम के नीचे हूँ तो एक ली या तोड़ो
तारीफ जितनी करूं उतनी कमी पड़ रही है। मैं तो कह रहा हूं कल का प्रोग्राम भी आज ही कर ले। कल का प्रोग्राम भी आज ही कर लेते हैं, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। क्योंकि इससे पहले जो हमने सुना वो जो एक मतलब एक होता है ना कि आप जब गाते हो प्लेबैक करते हो तो डिफरेंट अंदाज आपको चाहिए। थरी गाया तो बिल्कुल थरी बन गए, और जरा आजकल के जमाने वाला गाया तो वैसे हो गए, गजल गाया तो गजल वाली वो सारी फीलिंग्स आ गई। तो यकीन करें मतलब इतनी ज्यादा वेरिएशन है माशाल्लाह आपकी आवाज में, क्या कहना है। कुदरत की देन होती है जी, कुदरत की देन होती है। देखिए जितने भी बड़े सिंगर्स हैं आप मैडम को ले लें, उस्ताद ग़ुलाम अली खान साहब को ले लें, मेहदी हसन खान साहब को अल्लाह पाक अरी के रहमत करे, तो उन्होंने हर जो करेक्टर जो उनको दिया जाता था और जो अदाकार होते थे तो उनकी आवाज़ को अपनी आवाज उनको बिल्कुल नजदीक लाके उन्होंने सिंगिंग की है। और फनकार जिस ये अल्लाह की देन होती है, अल्लाह पाक और बरकत दे और तरक्की दे, नाम है हमारे सिंध का, हमारे मुल्क का। और ये सफीर होते हैं जी दुनिया में, ये जो किसी भी फील्ड से आपका ताल्लुक हो। लेकिन ज़ेबचंद साहब, शायरी के बिना चाहे वो आवाज की बात करें या सुर की बात करें बन ही नहीं सकता, अगर शायरी रिदम में हो। इसमें कोई शक नहीं है जी कि असल में बुनियाद किसी भी गाने की जो होती है वो उसके अल्फाज होते हैं, और अल्फाज का चुनाव जो है वो शायरी होती है। असल में आपने ये सोचा नहीं कि ये बात मैंने अचानक क्यों कही, हालांकि मैं चाहती तो मजीद सिंगर्स की तारीफ कर सकती थी, लेकिन शायरों के बिना भी बात नहीं बनती। आप भी शायरी करते हैं? मैंने की है जी, मेरे उस्ताद खावर साहब अल्लाह पाक उनको खुश रखे, आमीन। तो इसका भी कुछ टाइम तक जो है वो रहा, चस्का कह लें आप उसको। अब तो फुर्सत नहीं है असल में, शायरी की फुर्सत नहीं, मतलब नहीं शायरी के लिए फुर्सत नहीं है जी, बाकी इसमें तो अभी कोई नहीं, मगर ये है कि की है की है। अच्छा, तो की है, कुछ सुनाएंगे यहाँ पर। तो उसमें से एक वो मेरी गजल थी, उसके जो है दो शेर आपकी नजर करता हूँ कि कहाँ मैं जान पाया हूँ अभी जालिम जमाने को, कहाँ मैं जान पाया हूँ अभी जालिम जमाने को, वो बनकर दोस्त आए थे मेरा ही घर जलाने को। वाह वाह वाह, क्योंकि जिस शहर में हम रहते हैं ना, तो इस शहर के हालात पे मैंने ये लिखी थी कि कहाँ मैं जान पाया हूँ अभी जालिम जमाने को, वो बनकर दोस्त आए थे मेरा ही घर जलाने को। मैं समझा था कि वीराने को गुलशन करने आए हैं, वो दामन भर के लाए हैं यहाँ कांटे बिछाने को। कहाँ मैं जान पाया हूँ अभी जालिम जमाने को। और जो घर को जलाने के लिए निकलते हैं ना जी, तो उनके लिए लिखा के उन्हें ये भी शिकायत है यहाँ कुछ रोशनी कम है, उन्हें ये भी शिकायत है यहाँ कुछ रोशनी कम है,
हवा भी साथ लाए हैं दिए मेरे बुझाने को, कहां मैं जान पाया हूं अभी जालिम जमाने को, वो बनकर दोस्त आए हैं मेरा ही घर जलाने को। ये उस हालात में लिखी दीजिए, और शायरी डिपेंड करती है असल में, आप जितने भी बड़े फकरा गुजरे हैं तो उनके आप जो कलाम होते हैं और जिस कैफियत में लिखे जाते हैं, बाबा बुल्ले शाह को देख लें, शाह अब्दुल लतीफ भटाई को देख लें, पीर मेहर शाह, सुल्तान हक बाहू, ये जितने भी हमारे सूफिया शोरा कराम गुजरे हैं ना जी, तो उनकी जो तबीयत थी असल में, हम तो हम जाहिर देख सकते हैं जी, अंदर जो है वो सिर्फ मेरा रब जानता है। सही कहा आपने। और कौन किस हाल में है, वो हजरत सादी रहमतुल्लाह अलैह का एक कॉल है कि मैंने बहुत सारे लोग खूबसूरत लबासों के अंदर बेलबास देखे हैं, और मैंने कई लोग बेलबास खूबसूरत लबासों में देखे हैं। इंसान का जो सबसे बड़ा लिबास है ना जी, वो उसका ये जिस्म है, और खुदा का जो सबसे बड़ा घर है दुनिया में तो वो ये इंसान का अपना दिल है जी। यहाँ खुदा हो, उसके हबीब की मोहब्बत और इंसानियत का एहतराम हो, मैं समझता हूँ कि हर आदमी अपना अपना काम करके चला जाता है। इन्होंने अपना काम बड़ा बेखूबी किया, अपना काम यकीन करें बहुत बखूबी किया, और यही वजह है कि शायद अभी तक पूरी दुनिया घूम चुके हैं अपने इस टैलेंट की वजह से, है ना राजीव साहब? जी जी जी। सो माशाल्लाह पाकिस्तान आई, पाकिस्तान का बात छोड़ियो, असा थरखे अज भी खबर ना छो, असाई पोते पहल इलाकों चौदह आयो उन इलाके में, माशाल्लाह पाकिस्तान लेवल ते, पाकिस्तान का बाहर वनी थर जो पाकिस्तान जो नालो रोशन करण यकीनन वरी गाल है। सो अवां सां कचहरी भी कंदासीं ऐं कलाम भी बुधंदासीं, बट हिकिड़े मुख़्तसिर ब्रेक खां पोइ। सो व्यूअर्स, वक़्तु आहे हिते हिकिड़े मुख़्तसिर ब्रेक जो, वधंदासीं ब्रेक ॾांहुं, ॾिसंदा रहिजो सिंध टीवी। नंढड़ी साई का पोया सा वापस अची चुका आयूं, ऐं माशाल्लाह मेहमान इलाही ज़बरदस्त आहिनि, पर हिकिड़े शख्स जो नालो मां हिन महिल ताईं न खणी सघियसि छो जो मूंखे मौक़ो ई न मिलियो। असां सां गॾु शरीफ़ मौजूदु आहे ढोलक ते, ऐं माशाल्लाह म्यूज़िशियन खां बिना बि यकीन कयो, हिकिड़ो सिंगर पंहिंजे तरफ़ां पंहिंजो बेस्ट ॾिए थो, पर जेकॾहिं म्यूज़िशियन सपोर्ट न कनि, साथ हुनजो न हुजे, त पोइ केतिरी ॾुखियाई थींदी आहे। बिल्कुलु सही था चओ, तव्हां बिल्कुलु सही था चओ। म्यूज़िशियन ऐं फनकार जो पाण में तमामु हिकिड़ो गहरो रिश्तो हूंदो आहे, जेको माना हिक ॿिए खां सवाइ उहो अधूरा हूंदा आहिनि, अधूरा हूंदा आहिनि। सही चयो आहे, छो जो लाज़िम आहे जेकॾहिं फ़र्ज़ु कयो कंहिं ॼण वीचारा म्यूज़िशियन मूड में न हुजनि त पोइ मसइलो थी वेंदो आहे फ़नकार जे लाइ, ऐं जेकॾहिं वरी फ़नकार कॾहिं न हुजे त म्यूज़िशियन, बहरहाल जेकॾहिं ॿई फॉर्म में आहिनि त पोइ अञा वधीक आसानी थी पवंदी आहे। बिल्कुलु बिल्कुलु सही था चओ सर, आपसे शायरी तो हमने सुन ली। मैं तो वही कह रहा हूँ ना कि आवाज़ साज़ बगैर रियाज के कुछ नहीं है, और ये है? वो लोग हैं कि जो रियाज करके बैठे हुए और हमें राजी कर रहे हैं और सलाम से हमें के बेरियाज जो साबित कर रहे हैं कि हमने रियाज नहीं की, और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आप यकीन करें कि वो सारी रास्ते की जो थकन थी ना, मेरी तो उतर गई है, दूसरों का पता नहीं है, वो मतलब सबकी उतर गई होगी, इतना अच्छा, इतनी इतना अच्छा म्यूजिक सुनने के बाद। बहुत अच्छा रहा, बल्कि घर वक्त घर पे जितने भी लोग हमें देख रहे हैं वो इस वक्त यही सोच रहे होंगे क्या बात है जी इनकी कहते हैं चलें जी आपकी तारीफ, हमने आज कॉल्स नहीं ली क्योंकि हम चाह रहे थे कि ज्यादा बातें बातें हो जाए, लेकिन हमें पता है कि आप लोग क्या सोच रहे हैं, हम पहले से जानते हैं आपके दिल की कैफियत को। खैर रजत साहब, माशाल्लाह उस्तादन जो जिक्र भी थी वो, बाहरी मुल्क वनो था, पर तुम जो सिलेक्शन है हिम तीन मुख्य तो तमाम घनी पसंद आई, व्यूवर्स के भी तमाम घनी वणी होंगी, तो साथी दोस्त मदद कंदा हैं या सजो कुछ पा ही कंदा कंपोजिशन? कंपोजिशन पा ही कंदो आया, तकरीबन शायरी की चूंड भी पा ही कंदो आया, छो तो असो हिंसर वो अलमियो है सिंध में, त असां वटि मौसीकार तमामु आङरनि ते ॻाइण जेतिरा वञी बचा आहिनि, हाणे आर्टिस्ट जी तव्हां मजबूरी बि चई सघो था, सभु कुझु चई सघो था, सो शायरी जी जेको सो चूंड बि पाण कंदो आहियां, जेका बि शायरी सुठी लॻंदी आहे दिलि सां लॻंदी आहे उनखे अलाह साईं मदद कंदो आहे। माण्हू चवंदा आहिनि त कंपोज़िंग कई नाहे वेंदी, पर इहा हिकिड़ी आमद आहे, ऐं अलाह साईं जी कंहिं कंहिं ते महिरबानी हूंदी आहे त उहो कंपोज़िशन पाण ई थी वेंदी आहे। कंहिं ग़ज़ल जे पोयां तव्हांखे कॾहिं कॾहिं त महीननि जा महीना लॻी वेंदा आहिनि, त पोइ शायर खां न कॾहिं ग़ज़ल कम जो आहे न उहो कोन थींदो आहे मुकमल, ऐं कंपोज़िशन बि ईअं ई आहे, जेकॾहिं हिकिड़े ग़ज़ल जो पोयां त लॻो
ब महीना मथो हणो थी मे बी न थे पर थेणी हुंदी तो कुछ सेकंडन में थी सेकंड्स में थी जी बिल्कुल माशाल्लाह आई करे करे वरी कुछ ये थिंदा तो कुछ सेकंड्स में जको कम थिंदो आए जका आमद थिंदी है वो सालन जे मेहनत खा तमाम घणी मथे हुंदी है बिल्कुल बिल्कुल जैसे सर शायरी आमद आमद होती है लेकिन आपने कहा कि हालात के हिसाब से लिखी है तो वो आमद थी कि आपने सोच समझ के लिखी थी? हाँ नहीं शायरी के लिए सोच तो हर चीज के लिए जी वो तो सजूद के लिए मजजूब का सजदा अलग होता है और सोच और फिक्र का सजदा अलग होता है सोच और फिक्र जो है वो तखलीक को समझने के बाद सजदा करता सही है और जो मजजूब होता है वो चूंकि खुदा के बड़ा करीब होता है आम फहम में हम देखते हैं एक इंसान है बोल नहीं पाता है देख नहीं पाता है समझ नहीं पाता है उसको दूसरी कैटेगरी में आप रख दें मगर शायर अदीब मुसन्निफ मौसीकार गुलूकार ये जितने सात रंग हैं ना जी जो इसको जोड़ते हैं एक गाना बनाने में और उस गाने को अच्छा बनाने में बहुत सारे लोगों का एक अमल दखल होता है और बड़े उस्तादों के पास बैठने का एक बड़ा फायदा हुआ जी कम से कम ये लय सुर इन चीजों को समझ बैठे हैं ये बड़े काम आए हमारे को जिंदगी सर कहीं ऐसा तो नहीं कि फ्यूचर में अब ये कहें कि सियासत छोड़ो जी गाना स्टार्ट करते हैं नहीं तो उसमें भी कोई बुरी बात नहीं है नहीं वैसे मैंने अभी फ्यूचर की बात की नहीं थी ना तो मैंने सोचा कि फ्यूचर प्लानिंग के हवाले से भी जरा थोड़ा जान लें ताकि नेक्स्ट टाइम जब आपको इनवाइट करें तो एक चीज में इजाफा हो वो क्या होगी ये तो फिर नहीं नहीं वो स्कूल के वक्त में और जो यार दोस्त गैदरिंग वगैरह बैठती है तो उसमें सुनते भी हैं सुनाते भी हैं अरे वाह मतलब बेसुरा आप... नहीं हूँ मैं सर वैसे ये मैंने कहा नहीं था कि आप बेसुरे हैं और अभी तक मैंने किसी को नहीं कहा लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है इंसान को मल्टी टैलेंटेड होना चाहिए और जो चीज मिले दोनों हाथों से उसको उठा लेना चाहिए ये नहीं सोचना चाहिए कि खुद वो चीज हमारे पास चल के आएगी नहीं मेहनत करनी चाहिए थोड़ी सी हाँ इस मामले में अल्लाह का बड़ा एहसान है जी जिस भी तबके में रहे जिन लोगों के साथ रहे वहाँ से कुछ ना कुछ सीखा तो है वैसे भी कहते हैं ना कि अच्छा लिसनर ही अच्छा स्पीकर होता है जितना आप अच्छा सुनेंगे उतना अच्छा बोलेंगे क्योंकि देखें और मैं आपकी नॉलेज में एक और इजाफा कर दूं हमारे सदर पाकिस्तान आसिफ जरदारी साहब जो हैं उन्होंने फिल्म में भी काम किया है वो चाइल्ड स्टार के तौर के ऊपर सालगिरह फिल्म थी अपना वहीद मुराद साहब की और शमी मारा साहबा उसमें चाइल्ड का जो रोल किया था वो आसिफ जरदारी साहब ने किया था। क्या तो ऐसा नहीं है कि अच्छा हमारे यहाँ मुसीबत क्या है मुसीबत क्या है एक आदमी है अगर वो मस्जिद का इमाम है तो वो भी इंसान अगर वो कहीं अपने बच्चों को क्लिफ्टन पे समुद्र पे घुमाने के लिए ले जाए ना और कोई मोहल्ले का आदमी मिल जाए तो वो पहला सवाल उसका जो होता है मौलवी साहब आप यहाँ क्या कर रहे हैं भाई आप क्या कर रहे हो ये हमारे यहाँ जिस चीज का एक लेबल लग जाता है ना जी जो है आपके अंदर ना आप उसको अच्छा समझते हैं तो वो माशरे के सामने करने में कौन वही बात ना कि जैसे हम लोग यहाँ पर बैठे हैं अब हमारी जाती जिंदगी और हमारी प्रोफेशनल जिंदगी दोनों यकीन करें बहुत अलग है मेरे ख्याल से जमीन आसमान का फर्क जितना हम कहते हैं ना इतना ही बड़ा डिफरेंस होता है तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि हम कहीं घूमने फिरने जाएंगे लोग कहेंगे अरे आप तो सिन टीवी पे शो करते हैं आप यहाँ क्या करें तो ये तो नहीं हो सकता है मैं तो इसका एक हल निकालता हूँ मैं आपको सीधी सी बात बताऊँ ना मैं मतलब हफ्ते में 15 दिन में ये मोबाइल वोबाइल घर पे रख के अरे वाह ट्रोजर पहना होता है टी शर्ट पहनी होती है टोपी एक लगाई होती है निकल जाता हूँ वहाँ गए सिनेमे में फिल्म वगैरह देखी ठेलों से खाया वो जो अंदर का बच्चा है ना जी बच्चा है ना जी उसको पूरा एंजॉय करता हूँ क्या बात है तो इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का टाइम आज पूरा हुआ इसमें मजाक में बोलती हूँ कि आपका समय समाप्त हुआ तो वक्त यहीं पर था बहुत शुक्रिया बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके अवां के बुद्धि माशाल्लाह ढी खुशी थी इलाही सुठो आवाज़ इलाही सुठो अंदाज नेक तमन्नाऊँ अवां से गदाई लगे थोड़ा माजा आई म्यूजिशियन जी पूरी टीम शरीफ साहब आसिफ साहब आई मोहरम साहब अवां सभी जी थोराइती आया जो तां हमेशा पंजो कीमती वक्त दींदा आयो पैगाम क्या देना चाहेंगे सर मैं चाहूंगी मुख्तसर उसके बाद फिर एक अच्छा सा सॉन्ग आपको सुनवाएंगे खुशी में पैगाम वो एक सॉन्ग मेहदी हसन साहब का मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि 100 बरस की जिंदगी में एक पल आज तू कर ले कोई अच्छा अमल तुझको मिल जाएगा इसका फल और आज जो तू बोएगा कल वही काटेगा क्या तो बात ये जिंदगी है
इस ज़िंदगी में कोशिश करें कि इस ज़मीन को एक अच्छे बीज की तरह देखें। एक बीज बड़ा कमज़ोर होता है, खुदा की कुदरत को समझने की ज़रूरत है। आप लोहा कितना ताकतवर है, ज़मीन के अंदर उसको दफन कर दे वो उग नहीं सकता है। बीज कमज़ोर होता है मगर इस ज़मीन को वो चीरता हुआ बाहर आ जाता है, नन्ना सा बीज जो है ना। तो इंसान की कमियों को कोताहियों को एक साइड पर रख के उसके अंदर अगर एक खूबी है ना और आप उसको ये रियलाइज करते रहे यार ये आपकी खूबी बड़ी अच्छी है, माशाल्लाह बहुत अच्छी है, दूसरी खूबी खुद ब खुद उसके अंदर पैदा हो जाएगी। दुनिया की हर चीज अचीव कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अमां जब भी थोड़ा आता आयो अमां का एको सुठो कलाम बुधंदी वो कलाम कड़ो होंद इो हमेशा जी अंजुमा साजुर जो तहांजी मर्जी है। सो व्यूवर्स उम्मीद क्या थी अजो को प्रोग्राम में सभी के तमाम घो पसंद आयो हों। यूट्यूब से वही करी प्रोग्राम ऐसी सूँगा, सलाम सिंह के ऑफिशियल फैन पेज से फीडबैक दे सूँगा। इंशाल्लाह जिंदगी साथ दिनों तो सुभाने वहाँ से मुलाकात थी तेसी तीन पानी तमाम घो ख्याल रखो। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू। तुझे मुर्दन जो छा जवाब तुझे तुझे मुर्दन जो छा जवाब तुझे रखो नामे थी गुलस्तान शल सलाम केर भी दो शराब खाने यहूरिया परी हुई या मुश्क जी भरी हुई गरीब हुई जरूर पर अजीब छोकरी
मोतिए जी हुई लड़ी, वो मोतिए जी हुई लड़ी, गुलन जितो गिरी हुई गरीब जरूर पर अजीब चोटी, गरीब जरूर पर अजीब चोटी, या हूरिया परी हुई संग मरमरी हुई गरीब जरूर अजीब चोटी, गरीब जरूर अजीब चोटी, या हूरिया परी हुई चहल पहल या पीर जी लिखल गजल, चंद्र जी चहल पहल या पीर जी लिखल गजल, हमौत पर अमन फरत, हमौत पर अमन फरत, अंजाब मत भरी हुई गरीब जरूर अजीब चोपड़ी, जी भरी हो गरीब जरूर अजीब जो